झारखंड सरकार के जेपीएससी और जेपीएसएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेपीएससी और जेपीएसएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र में 2 वर्ष बढ़कर 5 वर्ष छूट करने का फैसला किया है। आयोग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में अधिकतम 2 साल की छूट है, जबकि यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 5 वर्ष की छूट है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की इस साल हुई बैठक में उम्र सीमा में 5 वर्ष छूट देने का फैसला किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह अनुशंसा आयोग ने 27 फरवरी को कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग को दिया जाता है, लेकिन अब तक इसमें कोई जवाब नहीं आया। अब समय आ चुका है कि विभिन्न पदों पर नियुक्तियां होने वाली, ऐसे में फिर से अनुशंसा भेजने का फैसला किया गया है। बता दें कि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में एबीसी उम्मीदवारों को उम्र सीमा में 2 साल की छूट मिलती थी, जिसे अब बढ़कर 5 वर्ष का दिया गया है।